पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं टाइगर का मैसेज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाई यूनिवर्स की न्यू मूवी आई टाइगर 3। अभी इसका कोई नाम ऐसा टाइटल रिवील नहीं किया गया है, जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, इस तरीके से इसका कोई नाम रिवील नहीं किया गया है। इसका एक टाइटल दिया गया है बस टाइगर 3। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सलमान खान की टाइगर 3 का मैसेज। सलमान खान ने क्या बोला, क्या कहा, ये बात करेंगे हम वीडियो के अंत में। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यशराज फिल्म्स, स्पाई यूनिवर्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं, स्पाई यूनिवर्स में अब तक 4 मूवी आ चुकी हैं। टाइगर, टाइगर जिंदा है, और एक भी आई थी टाइगर शरोफ और ऋतिक रोशन की, और पठान। 4 मूवी है, ये 5वीं मूवी है। मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूं। ओ 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया। इस बात में दोहराई नहीं, मैं कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का क्या दुश्मन है? टाइगर का तार नहीं यार, तार साबित होगा। टाइगर ना 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 ना, टाइगर का तार नहीं है। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से। अरे टाइगर तो वो शख्स है, मोर सचिन का बहुत ज्यादा चल रहा है यार, लेकिन ये कारनामा अपने भाई बहुत पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान की रो एजेंट से शादी कर ली उन्होंने, एक बच्चा भी है टाइगर जिंदा में। यार तुम लोग समझते नहीं हो बात को। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। ओहो वे भाई, मेरे बेटे को मैं नहीं, इंडिया बोलेगा कि उसका बाप क्या था, कद्दार या देशभक्त। देशभक्त भाई मैं बोल रहा हूँ। जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं फिर से मिलिट्री वाले आ गए। यस रॉस प्रेजेंट्स, आ गया भाई। ओ धांसू भाई धांसू, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। ले भाई, जब तक मरेगा नहीं जब तक हारेगा नहीं अपना भाई। टाइगर 3 बिना टाइटल, ये आदित्य चोपड़ा, इस दिवाली पर रिलीज होगी भाई, याद किया जाएगा 2023 ने इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री का नक्शा चेंज कर दिया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 या 3 मूवी 1,000 या 500 करोड़ से ऊपर गई हैं। मूवी आती हैं, हर हफ्ते आती हैं, रिलीज भी होती हैं, लेकिन उनका नाम भी याद नहीं रखा जाता, लोगों के दिल में वो छाप नहीं छोड़ पाती। लेकिन इस साल आई गदर 2 और तुम्हारी जवान, एक ऐसी हिस्ट्री कि आने वाले 20-25 साल इनका नाम याद रखा जाएगा। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानेगा। चीज को बढ़ाते हुए सलमान खान का मैसेज आया, और ये मैसेज क्या मैसेज है यार, 20 साल देश की सेवा की और जब बच्चे बड़े हुए तो बाप को देशद्रोही साबित कर दिया गया, और उस देशद्रोही साबित करने के बाद वो अपनी सच्चाई और देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है कि यार मैं देशभक्त हूँ, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, मतलब मेरे नहीं सलमान खान के, वो प्रमाण पत्र मांग रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके लिए भी जद्दोजहद, लड़ाई झगड़ा। अच्छा मैसेज है, अभी किसी शायद केरला या रॉयल फैमिली से बिलोंग थे जब ये NRC और CIA का कुछ चल रहा था शायद, उस टाइम की बात, एक कर्नल को ये साबित करने के लिए कि वो इस देश का निवासी है जिसने अपने लाइफ का, ज्यादा नहीं अपनी लाइफ का 40-50% भाग वो देश की सेवा में लगा दिया, उसे ये प्रमाण पत्र देना पड़ा था कि वो इस देश का निवासी है, किसी पदक से भी सम्मानित थे वो, और उनकी फैमिली को, पूरी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया था। ये बहुत सोचने का विषय है कि इतना कुछ देने के बाद भी लोगों पे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर रहे हो। मैसेज बहुत अच्छा है, प्लस
जो मास सलमान खान कर सकते हैं यार नहीं कर सकता कोई, ये बाप है बाप, इनका लेवल ना हाई है एकदम, ऐसा सलाम बिंदास गजब। सेकंड का वो मास अवतार होगा, बाकी तो बस मैसेज दिया है, लेकिन यार क्या एक्शन सीन है उसमें, एकदम बिंदास गोली। और ये पांचवी मूवी है स्पाई यूनिवर्स की जो कि सुपर डुपर होने वाली है। इसमें बात करते हैं कैमियो की, शायद इसमें शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिले। भूल जाओ दो चार मूवी जिसमें सलमान खान कुछ खास नहीं कर पाए, प्रेम रतन धन पायो, किसी का भाई किसी की जान, अरे इसे देखो ना यार, दिमाग की बत्ती हिला देगा ये होता है असली मास। पर कुछ भी हो, सलमान खान जैसा मास एक्शन सीन कोई नहीं कर सकता, बिंदास। इसी के साथ हमें इंतजार रहेगा और आने वाली वीडियो पे भी हम रिएक्शन देंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपनी राय हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।